दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में ही बता देता हूँ, इस वीडियो का मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट के बारे में जहाँ पर डिस्कशन होगी, हमें तो मार्केट समझ में नहीं आती है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना है, चाहे वो मार्केट से रिलेट करता है या नहीं करता, बिकॉज ये आपकी जिंदगी का सवाल होने वाला है। इनफैक्ट आप लोगों की जिंदगी का नहीं, जहां पर मैं बोलूंगा आपके बच्चों का, आपके पेरेंट्स का और आपकी फैमिली की जिंदगी का सवाल है। तो इस वीडियो को ना अंत तक जरूर देखना, क्योंकि 2023 के बाद जो ये आपकी जिंदगी होने वाली है, ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आपके आने वाले फ्यूचर में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को ये काम करना है, मुझे इतने पैसे चाहिए, कहां से आएंगे, या फिर अगर मेरे को कल कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो सब चीजों को ना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सिंपल सी लैंग्वेज में, ताकि हर बंदे को, हर देवी को वो चीजें समझ में आ जाए, ताकि उनकी जिंदगी आने वाली अच्छी हो सके। ये चीजें मैंने शुरू में इसलिए आप लोगों को बताई हैं ताकि 2023 के बाद जो आपका आने वाला फ्यूचर है वो पूरा का पूरा मस्त जाए और आप टेंशन फ्री होकर, कुछ भी हो जाए तो टेंशन ना हो कि कल को कुछ भी होता है। तो इस वीडियो को मैं एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा। हल्का सा मैंने थोड़ा सा पुराना डाटा जरूर उठाया है। इस वीडियो के 3 पार्ट होने वाले हैं, या फिर कहो कि हम लोग बोलते हैं ना, जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, वो पुराने टाइम पे था। आज के टाइम पे हमें जीने के लिए 3 और चीजों की जरूरत है, जिसे अगर मैं बात करूं सिंपल सी भाषा में, सिप, हिप, टिप। अब ये सिप क्या है, हिप क्या है, टिप क्या है, ये सारी चीजें 1 by 1 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। A to Z हर चीज आपको क्लियरली समझ आने वाली है। टेंशन मत लीजिएगा कि कोई पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिन्हें किसी भी मार्केट रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीजों का नहीं पता, तो उनको भी ये बातें समझ में आने वाली है। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखिएगा तभी जब आपके पास टाइम हो, और टाइम हो या ना हो, आपको अपने लिए ना सही अपनी फैमिली के लिए जहां पर टाइम निकालने की जरूरत पड़ने वाली है। और साथ ही साथ ना तो मुझे इस वीडियो पे कोई लाइक चाहिए ना कमेंट चाहिए, आपकी मन मर्जी, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप लाइक करोगे या नहीं करोगे। बट इतना जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके हाथों ही सही किसी और का अगर भला होता है तो हो जाने दो, आपको भी उस चीज का पुण्य मिलने वाला है, अगर आपकी वजह से किसी का और का फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में बदल सकता है। क्योंकि शेयर करने में सिर्फ आपको कुछ सेकंड का समय लगेगा, लेकिन अगर कोई सीरियसली इस वीडियो को लेकर सीरियस हो गया तो उसका आने वाला टाइम हमेशा के लिए सुधर जाएगा। तो इतनी सी कृपा जरूर कर दीजिएगा, एटलीस्ट आप जिनको चाहते हो ना उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, अपने रिलेटिव को कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को कर दीजिएगा, इतना ही बहुत होने वाला है। तो अब मैं फालतू में वक्त जाया ना करते हुए सीधा वीडियो पे आता हूँ और हमारे मुद्दे को शुरू करता हूँ। तो जो ये टाइटल है 2023 के प्लान, कि 2023 में हम ऐसा क्या काम करें जो हमारे आने वाले पूरे फ्यूचर तक लंबा चलता रहे और हमें कोई भी टेंशन ना लेनी पड़े। तो बस 3 चीजें इस वीडियो में मैं छेड़ने वाला हूँ, सिप, हिप, टिप। ना मैं जहां पर कोई आप लोगों को प्लान बेच रहा हूँ, ना ही मैं कोई आप लोगों को कह रहा हूँ बिना सोचे समझे कुछ भी लो, लेकिन इन 3 चीजों को एक बार समझ जरूर लें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो बस उसके बाद डिसीजन आपका ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिप से। सिप क्या चीज है, क्या नहीं चीज है, टेंशन मत लो, सब कुछ बताता हूँ। सिप यानी कि SIP, सिंपल सी भाषा में बोलूं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो आई थी जो बिल्कुल ही नॉर्मल लैंग्वेज में जो हर किसी को समझ में आ जाएगी, उसका लिंक मैं आई बटन में जहाँ पे डाल देता हूँ। तो वहां पर आप लोगों के मन में जो भी डाउट आते हैं ना नॉर्मली, कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, या फिर अगर हमने कहीं पर पैसा लगा दिया तो कल को वो पैसा डूब ना जाए, या कोई हमारा पैसा लेके भाग ना जाए, या कोई फ्रॉड ना हो जाए,
या कुछ भी हमारा जो भी हमारे अंदर डाउट आते हैं सारे के सारे ए टू जेड उसमें क्लियर है। तो उसे अगर आपको समझना है, हालांकि मैं जहां पर भी डिस्कस करने वाला हूँ लेकिन डिटेल्ड वीडियो को देखना मत भूलेगा, जहां पर आपके जितने ही मन में डाउट आते हैं ना वो वहां पर सारे क्लियर किए हुए हैं, लेकिन जहां पर मैं आपको सिंपल सी नॉर्मल भाषा में डाटा के साथ लेके चलता हूँ। देखो SIP क्या होता है, SIP होता है कि अगर हम हर महीने फॉर एग्जाम्पल की थोड़ी बहुत सेविंग करते हैं, हम क्या करते हैं हमारी सेविंग्स का हम ज्यादा FD करा देते हैं या फिर RD में डाल देते हैं डाकखाने की किस्तों में, हम ऐसा कुछ करते हैं ताकि हमें आने वाले टाइम में जब कभी भी हमें एक साथ पैसे की जरूरत पड़े तो वो पैसा हमारे काम आ जाए, हम उस चीज को कहते हैं सेविंग। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं कि सेविंग तो ठीक है लेकिन आने वाले टाइम पे जो फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे 100 रुपए की वैल्यू है तो वो आने वाले 20 सालों में अगर 1000 रुपए के बराबर हो गई तो क्या वो 100 रुपया 1000 रुपए का कंपैरिजन कर पाएगा? तो जो चीज आपको आज के टाइम पे खरीदने के लिए 100 रुपया देना पड़ता था ना वो आगे आने वाले 20 सालों में आपको 1000 रुपया देकर उतनी ही चीज वही सेम चीज मिलेगी। इसे अगर हम टेक्निकल में जाएं जहां पर मैं जाना नहीं चाहता तो इन्फ्लेशन कह देते हैं, यानी कि महंगाई, जो महंगाई बढ़ती जाती है उसकी वजह से हमारा जो रुपीज का डेप्रिसिएशन होता है। इन चीजों को कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं करना, ना मैं डिस्कस करने वाला, टेंशन फ्री हो जाओ। बस इतना आप लोग समझ गए ना कि 100 रुपए की चीज आगे आने वाले 1000 रुपए में हमें मिलेगी 20 सालों बाद। तो वही जो सेविंग हमने करी है FD में, जो हमने बैंक में सेव कर रखे हैं जहां पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर RD में, तो वो 100 रुपया मैक्सिमम 300 तक पहुंच जाएगा अगर हम मान ले कि इतना हमें जितना आज के टाइम पे ब्याज मिलता है उसके अकॉर्डिंग, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये मैंने रफ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। तो क्या वो 100 रुपया आपका चलो 300 तो बन गया, लेकिन उस 300 रुपए से भी आप उस 1000 रुपए की चीज को खरीद पाओगे? नहीं ना। बस यहीं पर आ जाती है हमारी दिक्कत कि वो जो पैसा हम सेव कर रहे हैं, हम FD में कर रहे हैं, RD में कर रहे हैं, या कहीं पर भी कर रहे हैं, जो हमारी महंगाई दर जिस रेट से बढ़ रही है ना उस रेट से हमारा पैसा नहीं बढ़ रहा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम FD वगैरह बंद कर दें, RD बंद कर दें, कर दीजिए, फिर अब उसका क्या करेंगे? तो वहां पर हमारे पास आ जाता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें सिंपल सा एक तरीका होता है कि ये पैसा लगता है, देखो स्टॉक मार्केट पे, सीधी बात बोल रहा हूँ, बाद में मत कहना कि सर आपने तो कहा था कि SIP पे रुपए लगा दिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो ये पैसा जाता है वो स्टॉक मार्केट में जाता है या फिर डेट फंड में जाता है, वो चलो बाद की बात है कहां पर भी जाए, लेकिन मोस्टली जो हमारा स्टॉक मार्केट में हम पैसा लगाते हैं वो जनरली हम शेयर मार्केट में ही लगाते हैं, क्योंकि वहां पर जो हमारी सोच है कहीं हमारा पैसा डूब गया। सीधा सा एक ही हमारे माइंड में जहां पर क्वेश्चन आ जाता है, कहीं हमारा पैसा डूब गया तो? देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो SBI बैंक का दिवाला भी निकल सकता है, SBI बैंक भी भाग सकता है, और जहां तक कि 2023 में ही दुनिया तबाह भी हो सकती है, बिल्कुल ही खत्म, धरती ही खत्म, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी होती है 2% की होती है, जो हमें हर जगह देनी पड़ती है, ऐसा कभी नहीं होता कि हम कहेंगे कि मैं तो कल को तो जैसे सुबह उठूंगा पक्का जिंदा ही रहूंगा, वो भी 1-2% की प्रोबेबिलिटी तो हमें देनी पड़ेगी, क्या पता मेरे लिए कल की सुबह हो या ना हो, ये चीज तो हमें देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करते हैं ना SIP में, तो सिंपल सा एक मुद्दा लेते हैं कि आप लोग अगर हर महीने कुछ पैसे सेव कर रहे हो और उसे FD में या RD में लगाने की बजाय म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू लगा रहे हो तो आपको वहां पर ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना, जहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा, जैसे कि आप FD में भी 3-4 साल का टाइम दे देते हो और उसके बाद ऑटो रिन्यू होता रहता है, जैसे कि 5 साल हो गए उसको आगे और बढ़ा देते हैं, अगले 5 सालों तक तो कर देते हैं, हम RD करवाते हैं वहां पर भी हमारी 5 सालों तक तो किस्तें जाती रहती हैं। तो उसी तरीके से ना जहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना कम रिस्क हो जाएगा और उतना ज्यादा पैसा आपको बनेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में लगता है कंपाउंडर। अब कंपाउंडर क्या होता है वो भी मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5 सालों में हमारा पैसा हो रहा है डबल, तो आपने 100 रुपया लगाया और वो 5 सालों बाद हो चुका है 200 रुपया, लेकिन अगले 5 सालों में वो 200 का 400 हो जाएगा,
और उसके अगले 5 सालों में वो 400 का 800 रुपया हो जाएगा और उसके अगले 5 सालों में 800 का 1600 हो जाएगा। मतलब कि आने वाले 20 सालों में वो 100 रुपया आपका 1600 रुपया हो चुका है। तो अब बताओ आने वाले 20 सालों में आप 100 रुपए की चीज जो 1000 रुपए की हो चुकी थी वो उसे आप खरीद पा रहे हो ना, और उसके बाद भी आपके पास रुपए बच रहे हैं। ये तो हो गया हमारा SIP कि हम एक महीने में कुछ ना कुछ अमाउंट कटवा रहे हैं, वो पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में लग रहा है, वहां पर जाकर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना आपको कुछ खरीदना है ना आपको बेचना है, वो सारा का सारा करेगा फंड मैनेजर, जहां पर आपको रिटर्न्स मिलती हैं, अच्छी खासी मिल जाती है अगर आप अच्छा खासा टाइम दे पाते हो। इसके अलावा डिटेल्ड में SIP में जहां पर आपके मन में डाउट्स आते हैं कि कंपनी भाग गई या फिर कुछ भी हो गया तो वहां पर मेरे पैसे का क्या होगा, अगर मेरे पास पैसा नहीं है किसी महीने कि अगर मैं इस महीने पैसा ना भरूं तो क्या मुझे एक साल इकट्ठे भरने पड़ेंगे, वो सारी चीजें आपको हमारी उस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन की हुई है जहां पर मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली A to Z डाउट ले रखे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट आता है ना तो आप जस्ट एक कमेंट कर दीजिएगा, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और जहां पर मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं और ये पुराने डाटा के अकॉर्डिंग है, कुछ भी ऐसा पैसा नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए, मैं क्योंकि राउंड ऑफ में फिगर्स ले रहा हूं तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट ये पुरानी जो परफॉर्मेंस चल रही है जो अभी तक का डाटा है शेयर मार्केट में हमारे म्यूचुअल फंड का उसके अकॉर्डिंग एवरेज डाटा मैं लेकर चल रहा हूं। तो मान लो कि आपने अगर 10,000 रुपये महीने की SIP करनी शुरू की थी या फिर 10,000 रुपये की आपने मंथली किस्त कटवानी शुरू की थी आज से 10 साल पहले, तो उसके अकॉर्डिंग ना आपका पैसा 31 अक्टूबर तक 26 लाख रुपए हो चुका होता अगर आपने 10,000 रुपये महीने की SIP शुरू करी थी। इसी तरीके से अगर आपको 15 साल पहले शुरू कर दी होती 10,000 रुपये की SIP तो वो पैसा आपका हो चुका था 59 लाख। अमाउंट मैंने सिर्फ 10,000 की ली है एक एग्जाम्पल के लिए, आप जहां पर जरूरी नहीं है कि 10,000 की ही करनी है, आप 2,000 की भी कर सकते हो, जितना आपका बजट बनता है आप उतनी कर सकते हो, जितने की आप सेविंग करना चाहते हो, या फिर 500 की भी कर सकते हो, 20,000 की भी कर सकते हो, जो आपकी मन की इच्छा है। और अगर मैं यहीं पर कहूँ कि 20 साल पहले आपने अगर शुरुआत की थी तो वो पैसा आपका 1,42,00,000 के करीब का हो चुका था। यही होता है हमारे पास कंपाउंडेड रिटर्न्स का फायदा SIP में कि हमारा पैसा अच्छा खासा ग्रो कर जाता है। उसी तरीके से जैसे हम FD में ना 1,00,000 रुपया लगा देते हैं तो उसी तरीके से हमने 1,00,000 रुपया लमसम 1 साथ पूरा का पूरा लगा दिया आज से 10 साल पहले म्यूचुअल फंड में, तो वहां पर हमारा पैसा 31 अक्टूबर 2022 तक हो जाना था 4.19 लाख, 1,00,000 का 4,00,000 से ऊपर का पैसा हमारे पास हो चुका था। यही होता है अगर हम लमसम FD में कर रहे हैं तो वहां पर हमारा पैसा डबल भी नहीं हुआ है 10 सालों, लेकिन जहां पर हमारा पैसा 4 गुना हो चुका है। यही होता है हमारे पास SIP का फायदा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, इसलिए हमें थोड़ा टाइम जहां पर देना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हो कि हम तो घूमने फिरने आए हैं चलो 1-2 साल लगाकर देख लेते हैं, तो आपको हो सकता है कि जहां पर नुकसान भी हो जाए, तो उस चीज को आप जरा समझ के ही करिएगा क्योंकि जहां पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा। यही आपके पास अगर आपको पैसा बनाना है तो कुछ ना कुछ तो आपको डोनेट करना पड़ेगा और वो जहां पर होता है टाइम। और वही जो चीज आपने 1,00,000 रुपया 15 साल पहले लगाया होता तो वो 4.48 लाख रुपए होना था, अगर 20 साल पहले लगा दिया होता तो यही 1,00,000 रुपया आपका 38 लाख हो जाना था। मतलब कि 20 सालों में आपका पैसा कितने गुना हो चुका है, आप खुद समझदार हो। बस यही चीज है SIP। अब इसके अलावा SIP में मैं आपसे एक वर्ड भी कहने वाला नहीं हूं, आई होप कि आप लोगों को SIP समझ में आ चुकी होगी। लेकिन अब मैं चलता हूं अपनी एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाने के लिए ताकि आपको तीनों चीजें समझ में आ जाए। अब मान लो कि आप लोगों ने 10,000 रुपये महीने की SIP शुरू कर दी, आपकी एज है 35 साल की और टेन्योर होने वाला है 31 साल का, मतलब कि 31 साल तक आप इसको रेगुलरली कर रहे हो। अगर हम जहां पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान ले 12% का कंपाउंडेड, मतलब कि CAGR, तो आपके पास आने वाले जो 31वें साल तक जो पैसा हो जाएगा ना सिर्फ 10,000 रुपये की SIP से, वो हो जाता है 3.24 करोड़ का, जो एक छोटी अमाउंट नहीं होती। 30 सालों में आपको 3 करोड़ रुपया बन जाता है। लेकिन ये तो जस्ट आपको सुनने में अच्छा लग रहा है,
लेकिन बीच में हो जाती है गड़बड़। अब वो गड़बड़ कैसी कि हम तो जी ह्यूमन है, हम तो इंसान है, हमारी तो लाइफ सर्टेन नहीं है, हमें तो जातो रात कहीं भी कुछ भी कभी भी कैसे भी अगर कुछ हो गया तो। मान लो लॉकडाउन लगा था, हमारे तो बिजनेस तबाह हो गए, दुनिया सड़कों पे आ गई, कितने लोगों की जॉब चली गई, ऐसा कुछ हो गया, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई बीमारी लग गई, या फिर कोई भी नेचुरल क्लाइमेट से दिक्कत होने लगी, तो वहां पर हमारी तो SIP रुक गई। या फिर मान लो कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है ना, तो हमारे पास जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, हमने खाना खाना है, हमने घर का रेंट देना है, या फिर हमने पेट्रोल भरवाना है, जो भी ये हमारे ना पक्के खर्चे होते हैं, बिजली का बिल हो गया, तो उन चीजों को तो हम बंद नहीं कर सकते, या फिर हमारा कोई लोन चल रहा है उसे हम रोक दें, तो वहां पर रुक जाती है हमारी SIP। मतलब कि हमारा वहां पर जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे थे हर महीने, वो रुक गया, या हमारा जो इन्वेस्टर था वो हमने निकाल लिया। यही हो जाती है हमारी सबसे बड़ी गड़बड़। अब अगर ये गड़बड़ हो गई तो इसको अब क्या करें? तो अब मैं यहां पर एक और एग्जांपल लेता हूं। जस्ट मान लो कि हमने पैसे शुरू कर दी, 10,000 रुपए की हमारी महीने की कट रही है, जो हमारा अच्छा खासा पैसा बनना था, लेकिन बीच में क्या हो गया कि मुझे तो बीमारी लगी, मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और जहां पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ चेक कर कि जहां पर कुछ साल लिए कि मेरे को पहले तीसरे साल जाना पड़ा, फिर छठे साल जाना पड़ा, फिर 11th ईयर में भी जाना पड़ा, 16th ईयर में भी जाना पड़ा, 21st ईयर में भी मैं एडमिट हुआ, 25th ईयर में भी मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, जहां पर जो मेरा खर्चा आया 3rd ईयर में 2 लाख का, 3 लाख का, फिर 5 लाख का, जो भी ये देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर टोटल 32 लाख रुपया हॉस्पिटल में खर्च हो गया। अब वो 32 लाख रुपया मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। अगर मैं अपनी जेब से भरता हूँ या SIP निकालता हूँ, तो उसके बाद अगर मैं अपने 31वें साल तक देखता हूँ, तो मेरी जो 3 करोड़ रुपया बनना था ना, वो मेरा सिर्फ 1.14 करोड़ का रह गया। मतलब कि कहाँ 3 करोड़, कहाँ 1 करोड़। अब आप समझ सकते हो कि आपने निकलवाया तो सिर्फ 32 लाख, लेकिन उस 32 लाख के चक्कर में हमारे पास इतना फर्क पड़ चुका है, और ये पड़ रहा है डाटा के अकॉर्डिंग, बिकॉज मैंने जहां पर जो भी मेरा हॉस्पिटल का खर्चा हो रहा था वो मैंने जहां से यूज कर लिया, तो इसकी वजह से हमें जहां पर दिक्कत हो जाती है, और यहीं पर हमारे पास दूसरा जो हमारा सिनेरियो है वो आ जाता है हिप। हिप का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस। अब मैं आप लोगों को ना तो जहां पर कोई हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, ना मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लो या आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, मैं जहां पर किसी भी तरीके का ना तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस की एड कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में हम एटलीस्ट हम अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में अगर मेरे को कभी भी कहीं भी कैसे भी कुछ भी हो जाता है, और मैं बाय चांस हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ, तो वहां पर मुझे दिक्कत ना आए, मुझे मेरे घर से रुपया ना लेना पड़े, मेरी जेब में दिक्कत ना आए कि कहीं मेरी सेविंग सारी खत्म हो जाए, तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हम ले लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि अगर वहां पर मुझे कुछ होता है तो वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मेरा खर्चा उठाए। लेकिन जहां पर ना हम लोगों की मेंटेलिटी आ जाती है, हमें कुछ नहीं होना, हम तो अभी जवान है, या फिर क्या होगा देखी जाएगी, फालतू में हम इंश्योरेंस को खर्चा करेंगे कुछ ना हुआ तो। एक बात याद रखना, जहां पर मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, चलो मान लिया कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन वो आपके काम नहीं आया, किसी और के तो काम आ रहा है ना, बस इतने से सोचना जरूर कि एटलीस्ट वो आपने जो प्रीमियम भरा है, जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस के बदले उसको रुपए दिए हैं हर जानने के तौर पर, वो पैसा किसी और बंदे के काम तो आ रहा है ना, उसका तो भला हो रहा है ना, बस इतनी सी सोच रखो, बस अब आप खुद अपने आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्योंकि जहां पर दिक्कत क्या आती है, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हम हेल्थ इंश्योरेंस बिना सोचे समझे कोई भी ले लेते हैं, वहां पर हमें हमारे चीजें को समझने के बाद, हमारा बजट देखने के बाद, हमें क्या कुछ नहीं है, या फिर कौन सी बीमारी, सब कुछ सही सही तरीके से बताने के बाद ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि अगर हमें कल कुछ होता है तो वहां पर हमारा हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट ना हो, और अगर आपने जो भी प्रीमियम भरा है, और अगर आपको कुछ हो गया तो आपको जेब से रुपया देने की जरूरत ना हो, और आपको सही सलामत वहां पर हॉस्पिटल से खुशी खुशी वापिस बिना एक मेजर अमाउंट दिए। यही होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जहां पर
ये दोनों चीजें आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और आपकी SIP चल रही है, जैसे ही आपको कुछ हो गया तो आपकी SIP रुक जाएगी, और अगर वो रुक गई तो वहां पर आपको जो वेल्थ बननी थी, इन्वेस्टमेंट हो रही थी, वो दिक्कत में आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक और थर्ड कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है, टिप। हाँ जी, अब तो मैं आपको टिप देने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लो, कोई ऐसी वैसी टिप नहीं है। टिप का मतलब होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो समझो इस बात को, कुछ नहीं है, फिर से वही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ना मैं आपको कोई प्लान बेच रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। तो ना इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई एक बंदा है जिसकी उम्र आज के टाइम पे 35 साल की, और वो एक कंपनी में काम कर रहा है और शादीशुदा भी है, और उसके पास 8 लाख रुपए सालाना उसकी इनकम होती है जो कंपनी उसको काम करने के बदले देती है। उसकी घरवाली है एक जो हाउसवाइफ है, और उसके बाद उसके 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का है, एक 2 साल का है। अब उस बंदे ने क्या किया कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करी, जैसे कि अपने बच्चों की स्टडी के बारे में आने वाले टाइम पे, और उसी के साथ साथ बच्चों की शादी भी करनी है, और उसके अलावा उसे रिटायरमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, ताकि जब मैं रिटायर हो जाऊं, ताकि एक एज के बाद जब मेरे पास कंपनी की तरफ से कुछ नहीं आएगा, जब मैं कोई काम ना करूंगा, तो मेरे पास एक अच्छा खासा रुपया मेरे को हर महीने आता रहे, या मेरे पास एक अच्छा खासा रुपया हो जाए, ताकि मैं अपना बुढ़ापा भी इजीली निकाल सकूं, या फिर उसको कोई घर लेना हो, या कुछ भी करना हो, कोई एक्स्ट्रा जो प्लान्स होते हैं हमारे। तो उसने एक प्लानिंग करी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि जहां पर मैंने एक तरीके का ये बना दिया, जहां पर जैसे कि मैंने यहाँ पर गोल लिखा है राहुल एजुकेशन, ये बच्चों के नाम हो गए, प्रेम से एजुकेशन, राहुल की शादी, प्रेम की शादी, और उसका रिटायरमेंट प्लान, ये मैंने सारा का सारा ले लिया। इन्वेस्टमेंट होरिजन में कि कितने टाइम बाद उसको इस रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, मतलब कि राहुल को अपनी कॉलेज की स्टडी के लिए 12 साल अभी टाइम है, प्रेम को लिए 16 साल का टाइम है, राहुल की शादी के लिए 17 साल का टाइम पड़ा है, प्रेम की शादी के लिए 21 साल का टाइम पड़ा है, और उसकी रिटायरमेंट के लिए 30 सालों का टाइम पड़ा है, मतलब कि 30 सालों तक वो काम कर सकता है। तो उसको इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए कितने कितने रुपए चाहिए। राहुल की स्टडी के लिए चाहिए 20 लाख, प्रेम की स्टडी के लिए चाहिए 25 लाख, राहुल की शादी के लिए 25 लाख, प्रेम की शादी के लिए भी 25 लाख, और इसी के साथ साथ उसे अपनी रिटायरमेंट में कहा कि मुझे तो 1 करोड़ रुपया चाहिए, बात खत्म। कि जैसी मेरे रिटायरमेंट हो जाती है आज से 30 सालों बाद, मेरी जेब में 1 करोड़ रुपया आ जाना, बात खत्म। तो उसके जरिए हमने उसकी SIP निकालने की कोशिश करी कि उसको हर महीने कितनी SIP देनी पड़े। तो जहां पर वो SIP की अमाउंट आ रही है, जैसे कि राहुल को अगर 12 सालों बाद 20 लाख रुपए की जरूरत थी अपनी स्टडी के लिए, तो वहां पर उसकी अमाउंट निकल के आ रही अप्रोक्स 5300 के करीब, मोटा मोटी चलो मान लो 5500 रुपए। उसके अलावा प्रेम के लिए आ गई, क्योंकि प्रेम के पास ज्यादा टाइम था तो वहां पर हमारे पास कम आई, और वो आ चुकी थी मोटा मोटी 3500 रुपए। राहुल की शादी के लिए आई 17 साल के बाद, होनी थी 3000 रुपए की। प्रेम की शादी के लिए और कम आई, क्योंकि और टाइम पड़ा था, तो वो आ चुकी थी अप्रोक्स मोटा मोटी 1600 रुपए की। और उसकी रिटायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा टाइम पड़ा था, तो वो आई मोटा मोटी 1800 रुपए की। मतलब कि उसके पास ये सारा खर्चा करने को जब भी वो चाहिए, मतलब कि अगर हम इसके जोड़ते हैं ना, 95 लाख रुपया उसे बच्चों के गोल के लिए हो गया, और 1 करोड़ रुपया अपने लिए, मतलब कि 1.95 करोड़ रुपया चाहिए उसे आने वाले टाइम में। तो उसके लिए उसको 15,000 रुपए महीने की SIP करनी पड़ रही थी, ये हमने उसके गोल के अकॉर्डिंग निकाल लिया। लेकिन वो अब तक गया, उसने दोनों चीजें खूब शुरू कर दी जोर शोर से, और टेंशन फ्री होकर बैठ गया कि अब मेरे को कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, अब मेरी SIP चल रही है, कि मेरे बच्चों की स्टडी भी हो जाएगी, मेरे बच्चों की शादी भी हो जाएगी, और इसी के साथ साथ मुझे भी रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, मैं टेंशन फ्री होकर बैठ चुका हूँ, अब मेरी लाइफ सेट हो गई, वाह वाह। लेकिन हम तो हैं इंसान, हमें तो कहीं भी कभी भी कुछ भी कैसे भी कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा ही कुछ इस बंदे के साथ हो गया, उसका हो गया एक एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट में इस बंदे की हो गई मृत्यु, भगवान को प्यारा हो चुका है। लेकिन अब क्या, जब वो पूरा हो चुका है तो क्या वो जो उसकी SIP चल रही थी वो उसे लगातार चलाता जा पाएगा, या फिर उसके बाद उसके बच्चों का, उसकी फैमिली का क्या होगा, जहां पर हमारे पास आ जाती है दिक्कत। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास तब काम आता है जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उस खर्चे को बचाने के लिए।
लेकिन अब जहां पर तो मैं ही हॉस्पिटल में तो रहा ही नहीं हूं, मैं तो भगवान के पास चला गया हूं, तो अब मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा? बस यही चीज आ जाती है दिक्कत। अब तो जहां पर हमारे पास तीसरा कंसेप्ट आ जाता है टिप का, मतलब कि टर्म इंश्योरेंस प्लान। अब बाय चांस ना चाहते हुए मेरे साथ कहीं भी कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी मुझे उम्मीद ना हो और मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं, तो मेरे पास, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों, मेरे माँ बाप का क्या होगा? तो बस इसी पॉइंट पर गौर करने की जरूरत थी। अगर उसने इसके साथ साथ ये तीसरी चीज भी करवा ली होती, जहां पर हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो वो बिल्कुल फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर अगर वो पूरा भी होता है तो उसकी फैमिली को इजीली अच्छे रुपए बन जाते, जितना भी उसका टर्म इंश्योरेंस का प्लान होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस का प्लान ले रखा तो उसे 1 करोड़ रुपया उसकी फैमिली को मिल जाता, वहां पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अब यही चीज आ जाती है हमारे पास SIP, HIP, TIP, तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक हो चुकी हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, भूख मिटाने के लिए रोटी, तन दकने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान जरूरी है। वैसे ही अपने आने वाले टाइम में हमें सिप, टिप और हिप की जरूरत पड़ने वाली है। यह सब तो हो गया ही, लेकिन हमारे पास तो पैसे की दिक्कत है। अब हम पैसा कहाँ से करें, क्योंकि तीनों चीजों के लिए तो चाहिए पैसा। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप जहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओ, जितना भी हमारा, हमारी जेब पर असर ना पड़े, हम टेंशन फ्री होकर दे सकते हैं बस उतना सा हमें जहां पर काम कर लेना चाहिए, और सही बंदे से सही सलाह लेकर ही वहां पर इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी प्लान लेना, तो वो चीजें जरूरी हो जाती है। वरना क्या होता है कि हम सस्ते के चक्कर में या फिर किसी ऐसे बंदे के चक्कर में पड़ जाते हैं जो हमारे लिए नहीं सही होता, लेकिन उस बंदे के लिए सही हो जाता है कि उसे अच्छा कमीशन बन जाता है, उस प्लान में अच्छा कमीशन है, मैं वहां पर कर देता हूँ, मुझे बंदे की परवाह नहीं है। जहां पर लोगों की गलती आ जाती है, लेकिन जहां पर हमें एक अच्छा बंदा भी चाहिए होता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो कि ये बंदा मेरी इसमें हेल्प करेगा, मुझे सही से सही चीजें मेरे लिए जो बेस्ट होने वाली वो बताएगा। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मेरे पास तो जी 10,000 रुपया था लगाने को SIP का, महीने का। फॉर एग्जाम्पल माना है मैंने, अब मैंने उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी जोड़ दिया, टर्म इंश्योरेंस भी जोड़ दिया ही, आपके अकॉर्डिंग तो वो 10,000 रुपया अप्रोक्स मान लो कि महीने की अगर हम करते तो 15,000 के करीब पहुंच गई है। अब हमारे लिए 5,000 तो और निकालना मुश्किल है। आई नो अगर आपके पास मुश्किल है ना, तो वहां पर जो आपकी 10,000 की SIP है उसको थोड़ा कम करो और हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में ऐड कर दो। यही होती है थोड़ी बहुत प्लानिंग, जहां पर आपकी जो भी प्लानिंग होगी वो आपका एडवाइजर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा, एक बार आप उनसे बात करके देखो। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत की जरूरत हो तो आप हमसे ही पूछ सकते हो, हम भी आपकी पूरी तरीके से, कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तीनों चीजों में हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए? सर आप तो यहाँ पर बैठे हो, हम तो आपको जानते भी नहीं। देखो, जानना ना जानना ये तो जिंदगी है, और छोटी सी जिंदगी है जहां पर अनजाने ही अपने बन जाते हैं और अपने ही अनजान बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको हमसे किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स भर के सबमिट कर दीजिएगा, जस्ट आपकी जस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन है वहां पर। उसके बाद हमारी टीम आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेगी और आपकी क्वेरी को, आपको कुछ भी नया लेना या फिर आपको कुछ भी पूछना, पूरी पूरी हेल्प कर देगी, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। तो 2023 में ना एक ये चीज जरूर करने की कोशिश करिएगा कि आपको अपनी फैमिली के लिए ही, अपने लिए नहीं, क्योंकि आप अपने लिए करोगे ही नहीं। मैं खुद भी अपने लिए कभी कुछ नहीं करता, जब बात फैमिली पर आ जाती है तभी हम जहां पर उस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, तभी हम उस चीज को पहले करने की कोशिश करते हैं, हाँ ये चीज अब हमारे लिए जरूरी हो चुकी है। तो वहां पर अपनी सोच को अपनी फैमिली की तरफ लेके जाइए और उनको सोच के वहां पर कुछ कीजिएगा, तभी आपको वहां पर हेल्प मिलने वाली है। वरना कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो करते ही रह जाते हैं, सोचते ही रह जाते हैं, बस का बात खलास। उनके लिए ना तो कल आती है ना परसों आती है, और वो कभी कर भी नहीं पाते। लेकिन जिन्होंने करना है ना वो कर जाते हैं, वो देखते नहीं है।
इसीलिए एटलीस्ट आप इस वीडियो को अपने चाहने वालों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो जो चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं उनको समझ आ सके। मैं आप लोगों को अपनी एक एग्जांपल देता हूँ, और ये रियल एग्जांपल है, बिकॉज हमारी सोच ही ऐसी है। मेरी फैमिली में हम चार लोग हैं, मैं, मेरा भाई, मेरे मॉम डैड। अब हुआ क्या कि मेरे डैड हो गए हॉस्पिटलाइज, उन्हें दिक्कत हो गई थी। और जैसा कि हमारी ओल्ड जनरेशन होती है कि हम फालतू में इंश्योरेंस वगैरह पे पैसे क्यों लगाएं, हमें कौन सा जरूरत पड़ने वाली है, या फिर पता नहीं इंश्योरेंस वाले देंगे या नहीं देंगे। तो मम्मा पापा का इंश्योरेंस था नहीं, इनफैक्ट हमारा भी नहीं था, लेकिन चलो हम अभी बच्चे हैं, हमें एक दिक्कत नहीं थी। लेकिन पापा को दिक्कत हो गई और उनका इंश्योरेंस था नहीं, और हमारे हॉस्पिटल में अच्छे खासे रुपए लग गए। चलो लग गए, कोई बात नहीं है, जो लगना था वो लग चुका था। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम घर पे आए, मम्मा ने खुद मुझसे ये बात कही कि बेटा पहले हमारा इंश्योरेंस करवाओ। अब पापा का इंश्योरेंस तो जल्दी जल्दी हो नहीं सकता था, बिकॉज ऑपरेशन हुए थे वगैरह वगैरह। तो वहां पर मैंने मम्मा का, भाई का और मेरा खुद का इंश्योरेंस तभी के तभी करवाया। मतलब यही चीज होती है कि हमारे साथ जो चीज जब तक नहीं होती है ना, हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, और उस चीज को समझने के लिए वो चीज हमारे साथ होनी जरूरी है। बिकॉज हम इंसान है, हमारी सोच तब तक नहीं बदलती जब तक हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। कहते हैं ना कि इंसान को अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। बस वही चीज हो जाती है। मैंने आप लोगों के साथ ये चीजें डिस्कस करी हैं, तो क्या आप सभी लोग ऐसा करोगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिन बंदों के साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, वो इस चीज को जरूर करने वाले हैं। इनफैक्ट उन्होंने कर दिया होगा, लेकिन अगर किसी ने अगर नहीं भी किया होगा तो वो बंदे इन चीजों को जरूर करने वाले हैं। बट उनका क्या, जिनके साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो मेरे ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि ये ही चीज आ जाती है कि हम तो नहीं करेंगे। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो बता दिया कि हमने नहीं की, हमारे पास इतनी नॉलेज है, हमें तो इन चीजों का पता था, फिर भी हमने नहीं करी। लेकिन जब वो हमारे साथ हादसा हुआ, उसके बाद मैंने वो चीज करी, वही चीज हो जाती है जहां पर। एनीवे, इन चीजों को समझना जरूरी है, शेयर करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, ताकि एटलीस्ट आप ना से किसी और के तो ये चीजें काम में आ जाए। बस यही दिक्कत होती है ना, कि अगर हमें जरूरत ही ना पड़ी तो जहां पर ये सोच लीजिएगा कि वो पैसा चलो किसी और बंदे के काम आ जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो वो पैसा किसी दूसरे बंदे काम आ जाएगा, आपके किसी भाई बंधु के पास आ जाएगा। टर्म इंश्योरेंस की आपको ना जरूरत पड़े, ना भगवान चाहे कि आपको पड़े, लेकिन किसी और बंदे के पास, किसी और बंदे की फैमिली को उसकी जरूरत पड़ने वाली है, उस चीज का आप जरूर सोचिएगा। बट सबसे जरूरी मुद्दा, तीनों चीजें जरूरी हैं, बिकॉज मोस्टली यही होता है कि हम सिर्फ SIP करवाते हैं। SIP अकेली काम कभी भी नहीं आने वाली, आपको तीनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर दी है। अब ये तो था मेरी तरफ से मेरा न्यू ईयर गिफ्ट आप लोगों के लिए। मेरा बर्थडे भी होता है 29th December को, आज के दिन, यानी जिस दिन ये वीडियो अपलोड होने वाली है। रिकॉर्ड तो मैं इसे 3-4 दिन पहले कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन ये अपलोड होने वाली है उस दिन मेरा बर्थडे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने बर्थडे गिफ्ट पे पिछले बर्थडे पे SIP की बात करी थी, इस बर्थडे पे ये बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। तो बस इन चीजों को समझिएगा, यही मैं अंत में कहना चाहूंगा। तो अगर अब मैं कंक्लूजन की बात करूं, इन सभी चीजों का निचोड़ देखूं, तो सबसे पहले SIP, ख्वाब है अधूरे मेरे, करने हैं अब उनको पूरे। इसीलिए जरूरी होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते रहे, ताकि हमारे आने वाले टाइम पे, हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे ख्वाब, हमारे बच्चों की अच्छी एजुकेशन वगैरह, उनकी शादी, हमारी रिटायरमेंट, या फिर कोई भी हमें वर्ल्ड टूर करना हो, या कुछ भी करना हो, नया गाड़ी मकान लेना हो, बंगला लेना हो, तो उन सभी को पूरा करने के लिए SIP जरूरी है। इसी के साथ साथ हमें हर बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी होता है हिम्मत, साहस, और तीसरा एक सही हेल्थ इंश्योरेंस। वरना अगर पैसा नहीं होता तो हम वहां पर हमारा अच्छा इलाज नहीं करवा पाते, तो उसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी हमारे लिए जरूरी होने वाला है। और इसी के साथ साथ फाइनल, जरूरी नहीं है कि जिंदगी रहेगी हमेशा हम सफर बन के, इसलिए जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस, मेरे बाद मेरे अपनों की जरूरत बनके, इसीलिए हमें वहां पर टर्म इंश्योरेंस भी करवाना जरूरी है।
और इसी के साथ हमें हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए, हमारी अच्छी फैमिली के फ्यूचर के लिए, कि ताकि हमें कल कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी, कैसे भी, कहां भी, कभी भी कुछ भी हो जाए, मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। मेरे तो तीनों चीजें एक साथ कंबाइंड हो चुकी हैं, अब मैं टेंशन फ्री हूं, अब मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। लेकिन एट लास्ट में किसी भी चीज को हम शुरू करते हैं तो उससे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नहीं पढ़ना आ रहा है या हमें दिक्कत हो रही है तो आपके पास जो जिस बंदे से ले रहे हो तो उससे कहिएगा कि वो हमें अच्छे से पढ़ के बताए उन चीजों को, कि उसमें एक एक पॉइंट की कहां पर मेरा ये चीज यूज हो सकती है, या फिर मेरा ये गोल है, मेरी ये बीमारी है, या फिर मुझे कल को कुछ होता है, मुझे ये पुरानी बीमारी है, हर चीज आप लोग सही बताइएगा और सामने वाले बंदे से भी अपनी हर चीज पूछिएगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में अगर कुछ हो गया तो वहां पर वो आपकी रिजेक्शन ना लगे और आपको उसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। अगर आपको हमारी जरूरत है, हम तो हमेशा आप लोगों के लिए है ही है, तो आपको बस एक फॉर्म ही तो भरना है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गूगल फॉर्म का, वहां पर हमारी टीम आपको आपके साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर ही लेगी और आपकी क्वेरी को सॉल्व कर ही देगी। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है वीडियो लंबी है लेकिन मजेदार बनी है, देखना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आप लोगों के लिए 2023 का और मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दे चुका हूं, तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू वेरी मच।